हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? दुनिया रश्मि के में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज मैं नाश्ते में पोहा बनाने वाली हूँ। मिर्चा, ग्रीन चिली। वाह, कितना सुंदर। यह 100 प्लांट के बीच में लगा हुआ है। ये रहा बटर। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मम्मी पोहा के लिए बादाम छील रही है। जो जो चाहिए पहले वो निकाल करके रख लेते हैं, बनाने के टाइम पे टेंशन नहीं रहेगा। इतना काफी होगा शायद। यहाँ पे छोटा भाई मैगी रखा है, क्योंकि वो मैगी बनाएगा, उसको पोहा नहीं खाना। मिर्चे भी काट लेते हैं, ताजा करी पत्ता। टूट ही नहीं रहा यार। मैंने चूड़ा को पहले ही धो करके उसे सारे पानी निकाल करके रख दिए थे। अब मैं उसमें एक आधा कटा हुआ नींबू मैं डाल रही हूँ, उसे टेस्ट ज़्यादा अच्छा आ जाता है। अब इसमें हम नींबू का रस डाले हैं और मिक्स कर ले रहे हैं। वाह, एक हाथ से काम करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। स्टैंड नहीं ना है अभी तो, क्योंकि मेरा तो बड़ा मन था कि स्टैंड में मोबाइल लगा करके इधर से काम भी करते जाओ, उधर आपसे बात भी करते जाओ। ये जीरा और सरसों, राई का दाना हम निकाल करके रखे हैं, प्याज मिर्चा काट लिए हैं, बादाम मेरा छिल गया है, छिल के रख लिए हैं, और ये रहा करी पत्ता। देखते हैं कैसा बनता है, बहुत दिन के बाद बना रहे हैं। ये डाले थोड़ा सरसों, इधर पे बादाम रेडी कर रहे हैं। मैं थोड़ा स्लो बोल रही थी ना, काफी स्लो बोल रही थी। और उधर पे राई का दाना, सरसों। आई थिंक ये हो गया, पता नहीं। आँच धीमी कर देती हूँ। डाल दिए जीरा। फिर घर पे कुछ गेस्ट आ गए थे सुबह सुबह ही, तो मैं रेसिपी कुछ शूट नहीं कर पाई, मतलब बनाते हुए शूट नहीं कर पाई। टेस्ट कीजिए। हम इधर होते तो आप उधर होते हैं। कैसा लगा? अरे साइलेंट क्यों हो गया? फिर आप तो हीरो जैसे लग रहे हैं। फिर दिन भर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई फ्रेंड्स, और शाम में डायरेक्ट शाम में मैं शूट कर रही हूँ। शाम में हमें सबों को मखाना खाने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मखाना का ही स्नैक्स बना दिया जाए। बटर डाल दे, कट ही नहीं रहा है। क्या हो गया? ये हार्ड हो गया ना, तो इसमें रख के। हमारे यहाँ ग्रीन चिली के पौधे अभी बहुत सारे हैं। सुबह में मैंने आपको गेट के पास वाली दिखलाई थी, ये हमारे नल के पास वाली है, यहीं से मैं ताजा ताजा तोड़ रही हूँ। बोल रही थी क्या पका रही हो? मक्का। व्हाइट व्हाइट गोल गोल होता है, जान रही है? मखाना जान रही है?
जो फ्रिज के ऊपर रखा हुआ था वही देंगे खाने, तब देखना। अरे काटने वाला नहीं है, मिर्चा दिखा है इधर लाओ, चख के बतलाइएगा। आप चखो, तीखा होगा तो होगा, नहीं होगा तो वो कोई बात नहीं, पर लग रहा है तीखा। कट दिखाए लेंगे। अब डालेंगे इसमें बटर, इतना काफी होगा। और दे पता नहीं, आई डोंट नो, नहीं नहीं काफी होगा। आंच कम कर दिए थे, ये जलना नहीं चाहिए ना। नहीं गर नहीं है शायद, गर नहीं है, छुट 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 करता ना। बटर बटर शायद ऐसे ही होता है, डाले गर नहीं है ना। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ भी यूज किया है, जो पेड़ से मैंने तोड़ करके लाया था वो मैंने धो लिया है। तो मेरे हस्बैंड पूछ रहे थे कि तुमने ये सब धोया है या नहीं। देखिए ना क्या बना रहा है, इसी को बोलते हैं मखाना। मोटा का? तुम बोला टेस्टलेस लग रहा है, इतना मेहनत किए हैं। तू तो टेस्टलेस ही रहता है ना, अभी भी टेस्टलेस लग रहा है। बटर का तो कम से कम टेस्ट आ रहा होगा। वो तो ना मेरा मुंह छुई, अपना टेस्ट पकड़ने लग गया तो फिर सेफ नहीं बन जाए। बोलो पूरा ट्रे नहीं ले रहे हैं मम्मी। लो आज है फ्राइडे दोस्तों, और आज हम अभी जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। आपको लगता होगा कि मैं कितना ज्यादा शॉपिंग करती हूँ, पर कुछ कुछ लेना पड़ जाता है। मैं एक बार में सारा शॉपिंग नहीं करती हूँ, तो हर दिन कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। और रेडी है जी आप? ये देखिए, ये अभी तक रेडी नहीं है। मैं रेडी हो गई, मैं लड़की हूँ, मैं रेडी हो गई। और इनको देखिए, मेरे साथ में रेडी होना शुरू किए थे और अभी तक रेडी नहीं हुए हैं। सिर्फ जूता नहीं पहना। दो तीन दिनों से बारिश हो रही थी, आज का मौसम अच्छा है तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा शॉपिंग कर लिया जाए। और ये भी, तुम भी चलेगा मैक्स? मैक्स मैक्स जाना है। और अरे देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने पहले दिखलाया था ये फिर से खिल गया है। वाह, इस बार तो ज़्यादा खिल गया है, पता नहीं मैं खुद देख रही हूँ, आपको तो दिखला ही नहीं रही। देखिए ये इतने सारे खिले हुए हैं और ये खिलने वाला है। अरे मेरा नेल पेंट मैच कर गया, नेल पेंट मैच कर गया, तो ये खिलने वाला है। और इस जब ये खिल जाएगा उसके बाद में फिर ये खिलेगा। मतलब जो फर्स्ट टाइम जो दिखलाई थी उसमें इतने सारे फूल नहीं आए थे वो। अच्छा हाँ, वो तो काट दिए, ये भी उसी तरह निकला है अलग से।
अरे अरे देखिए देखिए, ये एक और निकला है। देखिए जब ये इसमें फूल नहीं आता है तो ये ऐसे दिखाई देता है, इस तरह से रहता है। फिर ये खुलता है ऐसे, यहाँ से खुलता है, अंदर से फूल आता है। वाह, हमको लगता है कि वो फर्स्ट टाइम था ना, इसलिए बेटू यहाँ पे आंटी आई, बोल रही कि फूल सुंदर दिख रहा है मेरा और बेटू का, फोटो खींच देने के लिए। तो मैं उनका फोटो क्लिक कर रही थी और वीडियो भी साथ साथ में बन गया था। बेटू हाँ, आप इधर देखिए। हाँ उसको देखने दीजिए, जिधर देख रही है खींच लिए, तीन चार खींच लिए। हाँ ये चलते तो बोल रहे हैं। एक चीज़ और देखें, ये शायद मेरे ख्याल से ज़्यादा झुक गया होगा, ये थोड़ा भारी हो गया ना इसलिए ये झुक गया था। तो देखिए मम्मी मम्मी इसको बांध करके, देखिए ये हमारे कपड़े टांगने का तार है, ये वाली कपड़े टांगने की तार है, इसमें मम्मी इसको बांध करके सीधा किए। जो भी ये बहुत अच्छा लग रहा है फूल, और सारे गाड़ी पे चले गए हैं तो मैं आ रही हूँ पीछे से। इस साइड पे आंटी बैठी है, हम उधर से जाएंगे बैठने के लिए। हाँ इसको खोलिए ना जी, उसमें कुछ कुछ है का? इसमें हाँ 1500 ले लिया इसका। हाँ बाप रे, 1550 ऑनलाइन में भी उतना ही दाम था। ये मैंने लिया है अपनी बेटी का कपड़ा रखने के लिए, बाद में कुछ और यूज करूंगी। अरे इसमें चक्का नहीं है ना? नहीं, वो जैसे निकाला था ना तो बहुत स्मूथली निकला ना, तो उसी को देख के तो एट अ टाइम ही हम बोले कि इसमें चक्का नहीं है। हम उसे देख के बे माय को देखना श्री के बड़े करते हैं के बेटू कार मोटा पास कर दिए थे ना, कार में मोटा खिला रहा था वो कर लिया बड़ा बड़ा। चलो देखे वाला कुर्ती ली, ₹1250 अच्छा लग रहा है ना, देखा है 1500 हम पसंद किए दिख रहा है बोलते। माँ तो सोच रही उसका मतलब शेर होता है ना। चलो व्हाट इज दिस, दिस इज मिल्किस्ट चीनी बिस्किट एक और पसंद आया था हमको, उसका भी 750। तो अब हो गई है काफी रात, तो मैं जा रही हूँ डिनर करने के लिए और साथ में आम भी खाऊंगी। अच्छा मुझे कुछ लोग बोलते हैं कि आम रात में नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए क्या पता नहीं, पर मैं तो खाऊंगी।